हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपीएसएन यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को आज जानकारी देने वाला हूँ एडमिट कार्ड के बारे में। ठीक है, किस चीज़ का एडमिट कार्ड? तो कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, किसका? डीआरडीओ के लिए। ठीक है, तो डीआरडीओ का जो फॉर्म भर रहा था आप लोगों ने और उसका प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आप लोग, तो उसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। तो वो उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है, कैसे उसका सीटी इंटीमेशन चेक करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि गूगल पे सर्च करके करें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दें ताकि उसे डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड कर सको। तो सबसे पहले हम पहले तरीके को प्रीफर करते हैं और मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो गूगल तो हर एक मोबाइल में होगा, हर एक लोगों के मोबाइल में होगा, गूगल हो या क्रोम हो। तो हम क्रोम को ओपन करते हैं। देखो आप लोगों को यहाँ क्रोम दिख रहा होगा, क्रोम वेबसाइट के सबसे पहले ओपन करते हैं, उसके बाद हम इसको जानते हैं कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, ये तो पहले हम डाउनलोड कर चुके हैं इसलिए पोर्टल ओपन है। न्यू टैब में ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे गूगल में सर्च करना है, सर्च बॉक्स में डीआरडीओ। मेरा यहाँ पे सर्च किया हुआ आ रहा है, आप लोग को सर्च करके देखना है, डीआरडीओ आएगा। तो जैसे डीआरडीओ आएगा इस पर क्लिक करना है, डीआरडीओ करके सर्च करना है। तो जैसे आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा डीआरडीओ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट, जिसमें के लास्ट में देखिए यहाँ पे वेबसाइट के लास्ट में लिखा रहेगा .gov.in। अगर .gov.in नहीं रहे लगा हुआ तो उसको क्लिक नहीं करना है, वो ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं माना जाएगा। जिसके लास्ट में .gov.in लगा रहे वही हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट होता है। तो ये सबसे ऊपर ये शो कर देता है डीआरडीओ सर्च करने के बाद। तो जैसे ये देखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करिएगा ना, तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखेगा, बहुत सारा फोटो दिखेगा, ठीक है, मोदी जी का हो और बहुत बहुत प्रकार के लोगों का। तो जैसे नीचे इसको स्क्रॉल करिएगा, तो नीचे आप लोग एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह दिया है इस सेक्शन में, और बीचों बीच आपको दिया है मैसेज बोर्ड एंड इवेंट्स। ठीक है, तो यहीं पे आप नीचे में देख रहे होंगे डीआरडीओ रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ नोटिस बोर्ड के रिगार्डिंग बताया गया है। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, क्लिक कर लेना इस चीज़ों को। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कहीं और नहीं जाना है, ये चीज लिखा हुआ होना चाहिए, इसी पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर रीडायरेक्ट कर देगा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड मेरा ओपन हो गया। कभी कभी क्या होगा, आपका लिखेगा URL नॉट फाउंड, इसका मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा सर्वर में लोड होता है ना, तो कभी कभी लिखेगा URL नॉट फाउंड। तो दो तीन बार रिफ्रेश करिएगा तो अपने आप इस पेज की ओर रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस पेज जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि डीआरडीओ एंट्री टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है ना, यहाँ पे लिखा गया है। तो किसके लिए इशू कर दिया गया इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यह फॉर्म भरा गया था दो लोगों के लिए था, एक था बाबू डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, और दूसरा था आईटीआई वालों के लिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए जो था पोस्ट था वो था क्या, एसटीए बी, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन बी, और ये था आईटीआई वालों के लिए था एसटीए करके था, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इस पर भी कन्फ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी बोलिएगा कि सर लिंक पे ओपन कर रहे हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये आपको देख लेना कि कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, क्या दोनों के लिए किए हैं या सिंगल के लिए किए हैं। तो जो जो जिसके लिए एलिजिबल है वो उसके लिए किया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे यहाँ पे शो कर रहा है, क्या कर रहा है शो, क्लिक है टू व्यू या डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर एसटीएबी। हाँ, तो ये पोस्ट को देखना है, ध्यान देना कि किस पोस्ट के बारे में कर रहा है। यह जो पोस्ट बता रहा है ना, यह बता रहा है डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। तो जो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उसके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ के हैं कि उसका एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है, तो जाके आराम से उसको देख सकते हैं। और आईटीए वालों के लिए ये अच्छी बात है कि उसका भी शाम तक या एक दो दिन में उसका भी एडमिट कार्ड क्या होगा, इशू कर दिया जाएगा। उसका देखने का तरीका सेम होगा, जैसे हम इसके लिए देख रहे हैं उसके लिए भी आईटी वालों के लिए इसी तरह से देखेंगे। अंतर बस इतना रहेगा कि यहाँ पे एक और अपडेट आ जाएगा जिसमें एसटीएबी के जगह एसटीए लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो आईटी वाला अपना डाउनलोड कर लेगा। तो इस तरह से आप लोग को पता चल गया किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो डिप्लोमा वाला तो आराम से तैयारी प्रिपरेशन जारी रखेगा, लेकिन आईटीए वालों अभी से आप लोग तैयार हो जाओ और जोर से तैयारी करो एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। और मॉक टेस्ट देखो, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी दे दिया गया है कि किस तरह से आपका पोर्टल वहाँ पर दिखेगा, किस तरह से एग्जामिनेशंस आएगा, होने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या क्या
ये होगा उसको हम क्या कर मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया गया, इसको मॉक टेस्ट को दे करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे, जैसे इस पर क्लिक करने के बाद कैसा ये पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को क्या शो कर रहा है, इसका नोटिस जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड का 28 को ही आ गया था, और कब तक डाउनलोड होगा, तो ये 15 नवंबर तक होगा, ठीक है। और यहाँ देखो लॉगिन दिया गया है ना, तो लॉगिन में क्या क्या मांग रहा है, एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है और ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ पे, अगर आप लोग साइबर कैफे में भरे होंगे तो आपको एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के दिया होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, या तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आया होगा, मैसेज में आपका एप्लीकेशन नंबर इशू किया हुआ रहेगा, दिखेगा, उसको आप लोग को यहाँ पे डालना है। और डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, जैसे मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/10/2005, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना, कहीं भी आप फॉर्म भरते इस तरह से लिखते हैं, तो सेम इसी तरह से लिखना है, 05 लिखना है पहले, उसके बाद डैश देना है, फिर 10 लिखना है, 10वां मंथ है, 5वां मंथ है, 1वां मंथ है, उसी प्रकार से फिर डैश देना है, फिर 2098 है, 5 है, 4 है, तो इस प्रकार से सेम ऐसे लिखना है, तभी आपका ये ओपन होगा, उसके बाद कैप्चा डाल लेना है। तो आइए जानते हैं कि ओपन करने के बाद जो मेरा ये खुलता है किस प्रकार से दिखता है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखो कैसे दिखेगा, आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना, जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे ना, तो ये आपका इस तरह से एडमिट कार्ड आपको दिखने वाला है। पर सुरक्षा कारणों से हम इसका कैंडिडेट का नाम और ये एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये क्या कर दिए हैं, हाइड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड आपको दिखने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे परीक्षा का डेट लिखेगा, यहाँ पे सेंटर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपका फोटो दिखेगा, यहाँ पे शिफ्ट रहेगा, यहाँ पे टाइम वगैरह दिया रहेगा, और नीचे जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ रहेगा, और यहाँ पे फोटो चिपकाने का स्पेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पद का नाम भी दिया है STAB के लिए, और आधार कार्ड नंबर वगैरह भी सब यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है दिखने वाला, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, देखो है ना, ये एप्लीकेशन नंबर है। और मैसेज में कैसे आता है एप्लीकेशन नंबर, वो भी आप लोग देख लो, तो बोलेगा सर कि बताएं नहीं आप। देखो जब मैसेज, आप मैसेज खोल के देखिएगा ना, तो जिस दिन को मैसेज आया है, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस है ना, ये एप्लीकेशन नंबर कितना अंक का है, इस प्रकार से आपका मोबाइल में कहीं आया होगा, तो इसको आप लोग देख लेना, और इसी से और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से के वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल।